खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आपने सब बढ़िया क्लीन कर दिया था, आपने तो 1 से 50 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स ले आया था, लेकिन ये तो पुष्पेंद्र जी हैं, ये तो हरियाणा और पंजाब के किसान हैं जिन्होंने पराली जला जला कर गैस चेम्बर बना दिया। पुष्पेंद्र जी, सीधा यही मतलब है इसका तो। राघव चड्ढा जी, अब आपकी बात सुन ली, आपके नेता की बात भी सुन ली, अब सुन लीजिए थोड़ा सा, देखिए अब सुन लीजिए एक एक करके बोलेंगे तो सबकी बात चली जाएगी। अरे मेरी आवाज जा रही है ना राघव जी, सुन लीजिए। पराली जो आईआईटी कानपुर की एक स्टडी है उसके अनुसार और जो सफर संस्था है उसके अनुसार लगभग 25% मैक्सिमम पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन पराली जलने से होता है। सरकार की शाखा सफर कह रही है, हमारी बात क्यों नहीं जाने देते हैं आप? दिल्ली में वायु प्रदूषण, सुन लीजिए ना, किसानों की बात सुन लीजिए ना, मैंने चुप कराया तो मैं किसानों की बात सुन लीजिए ना, ऐसे नहीं चलेगा ना। अरे प्रॉब्लम बाकी सब में प्रॉब्लम है, आप ही लोग साफ सुथरे, ऐसा तो नहीं हो सकता। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, मेरा अपना आकलन नहीं है, आईआईटी कानपुर की स्टडी है जिसमें बताया गया है कि 25% मैक्सिमम पोल्यूशन में जो है हिस्सेदारी पराली जलाने से होती है, वो भी 1-1.5 महीने के अंदर 25%। और इसी तरीके से जो आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो है, वो चाहे सफर हो, 70% है। आपको यार तकलीफ है क्या कुछ सुनने में? कोई बात किसानों की आप सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिए, मैं आपको 4 स्टडी दूंगा, आप सुन लीजिए पहले सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ एक एक करके। मैं बात 25% है। दूसरा आप मेरे आंकड़ों का बताइए, इस वक्त जो है, इस वक्त होता क्या है कि आईआईपीएम की स्टडी जब कह रही है 70%। अरे भाई सुनते ही नहीं हो आप, पहली बार डिबेट पे जीवन में बैठे हो क्या? सुन लीजिए, मैंने तरसली से आपकी बात सुनी है। देखिए ऐसा है राघव जी, बड़े सम्मान से आपसे कह रहा हूँ मैं कि ये 4-5 स्टडीज जो आई है इन्होंने बताया है कि 25% मैक्सिमम होता है किसी 1-2 दिन 5 दिन, बाकी दिन तो अभी तक दिवाली से पहले 15% से भी कम था। दूसरा जो आप पराली जलाने की बात कर रहे हैं, पराली जो जल रही है वो वेस्टर्न यूपी में बिल्कुल पराली नहीं जलती है, लेकिन आप देखेंगे कि इस तरफ भी जाकर के धुआं, ये असल में एक तो ह्यूमिडिटी इस टाइम पे बढ़ जाती है, टेम्परेचर नीचे आ जाता है और हवाएं जो है वो जब मध्यम पड़ जाती हैं तो ये जो 75% प्रदूषण, 75 से 80% प्रदूषण हो रहा है दिल्ली एनसीआर का, जिसमें कंस्ट्रक्शन है, जिसमें आपकी वाहन है, जिसमें फैक्ट्रियां हैं, ट्रांसपोर्ट है, तमाम तरह की जो प्रदूषण है वो 75 से 80% है। तो इसमें केवल जो किसान के ऊपर ठीकड़ा आप मत फोड़िए, किसान इसके प्रति बिल्कुल जागरूक है।